नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JK लेटेस्ट जॉब्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं न्यू से न्यू जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन है वो इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन के ऊपर रहने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है, तो पूरा नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है। तो नोटिफिकेशन पूरा देखने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी अपडेट निकल के सामने आती है तो वो हमारे चैनल पर ही अपलोड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप ये नोटिफिकेशन जो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, ARO की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली। जी हाँ दोस्तों, जो कि शेड्यूल्ड कंडक्टेड करवाई जानी थी 6 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में खालसा कैंट अमृतसर में। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि स्टार्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों, अब उसके लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो अब रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये प्रोसेस है, उसकी जो ऑनलाइन फॉर्म लगना स्टार्ट हुए थे, अब उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको क्लोज्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो आर्मी की तरफ से अब जो प्रोसीजर है उसको फिर से बंद कर दिया गया है। जो इसका मेन कारण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, COVID-19 सिचुएशन ही बताया जा रहा है। और अपकमिंग एक और जो कि बिग अपडेट निकल के सामने आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से, कि जो अक्टूबर तक है, सितंबर के बाद जब अक्टूबर आएगा उस वक्त जो आपका आर्मी के रिटर्न होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो कोविड की थर्ड फेज़ है वो आने वाला है। तो सितंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, थोड़े से चांसेस हैं, नहीं तो इसके बाद अक्टूबर तक आपके जो चांसेस है एग्ज़ाम के वो बहुत कम हो जाएंगे। आपने काफ़ी न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोविड के थर्ड फेज के बारे में बात चल रही है, तो इसी वजह से ना ही कोई हमें न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। उम्मीद है काफ़ी कैंडिडेट्स इसका न्यू रिक्रूटमेंट आर्मी की वेट कर रहे होंगे, तो काफ़ी जो है उनकी एज भी जो कि ओवर एज हो चुकी है, तो एज रिलैक्सेशन आर्मी में कम ही दी जाती है। अभी तक पिछले साल भी कोई एज रिलैक्सेशन हमें देखने को नहीं मिली थी। तो उम्मीद करता हूँ आगे कुछ इसका हल निकलेगा और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसके बारे में कुछ सोचेगी। तो दोस्तों, बस ये था जो नोटिस निकल के आ रहा था, ये सब कुछ क्लोज्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ सबसे पहले अपडेट दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। तो मिलेंगे ऐसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।